हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदर्स कॉर्नर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप मेरा फेस देख के पहचान पा रहे होंगे कि मैंने दो तीन दिन व्लॉगिंग क्यों नहीं करी। दो तीन दिन क्या, तीन चार दिन हो गए मेरे को। और देखो मेरे ना ये निकल आए हैं, यहाँ पे कैमरे में साफ नहीं दिखाई दे रहा है आई थिंक, लेकिन ये देखो एक यहाँ पे ये निकल पड़ा है, एक यहाँ निकल पड़ा है, एक यहाँ निकल रहा है। यहाँ का तो छोटा सा ये दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को, कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन वैसे सामने से दिखाई दे रहा है। और आवाज़ भी मेरी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है, आवाज़ क्या फेस ही पूरा चेंज सा हो गया है। मतलब तीन चार दिन के लिए कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए, दो दिन के लिए भी हो जाए ना, तो एकदम फेस चेंज हो जाता है। और आज ना धनतेरस है, तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये जो दिवाली है बहुत अच्छी आए, बहुत सारी खुशियाँ लेके आए आप सभी के लिए और मेरे लिए भी। और इग्नोर करना इसे क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है ना खांसी वासी वाला, और सर्दियाँ भी स्टार्ट हुई हैं तो इस वजह से मोस्टली लोगों की जो तबीयत है वो ख़राब हो रही है, सर्दी जुकाम वगैरह। और ये वायरल भी हो रखा है और डेंगू वगैरह का ये बहुत ज़्यादा सीन चल रहा है। इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है सभी को, क्योंकि बहुत ख़तरनाक वाला ये जो डेंगू है ना ये चल रहा है। बहुत से लोगों के मैंने सुना है कि बहुत से लोगों की डेथ भी हो गई है इससे, डेंगू से बहुत लोगों का लॉस हो रहा है। तो देखिए सभी से बोल रही हूँ मैं कि आप सभी लोग ना अपना, बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चे नहीं मानते हैं लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, फुल स्लीव्स पे ना आना है और शाम के टाइम बाहर नहीं निकलने देना है, सुबह को बाहर नहीं निकलने देना है क्योंकि सुबह शाम की ठंड हो रही है। वैसे तो इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन सुबह शाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, मौसम चेंज हो रखा है। तो अभी ना मैं जस्ट नहा करके आई थी और पता यहाँ के, तो मैंने अभी खाना बनाऊंगी क्योंकि काई ने कुछ खाया नहीं है, सब्जी वगैरह का सारा कर दिया है। मेरे को रात भी फीवर आया था, सुबह के टाइम भी फीवर था, बट खाना तो बना नहीं है ना, तो मैं काई को बना के कुछ खिला देती हूँ। सब्जी तो मैंने बना दी है, आटा लगा के रख दिया है, अब बस मेरे को ना खाना बनाना है तो मैं वो बना लेती हूँ खाना और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखो लाइट गड़बड़ कर रही है, बार बार आ रही है, बार बार जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है ये लाइट में, बार बार लाइट चली जाती है, बार बार आ जाती है, इन्वर्टर की इन्वर्टर में से भी आवाज़ आ रही है सीटी, मतलब आई थिंक जो सोलर प्लेट्स हैं ना वो चार्ज नहीं हो रही हैं। किस वजह से नहीं हो रही वो मेरे को नहीं पता है, तो मैं ना अभी ये फ्रिज वगैरह ये सारी चीज़ें ऑफ कर देती हूँ वरना तो सारे घर में अंधेरा हो जाना है। तो मैं ना थोड़ी देर में मिलती हूँ खाना बना के आपसे। तो ये मैंने बनाया था कायू के लिए दिया, जो कि स्कूल की तरफ से उसके लिए प्रोजेक्ट आया था कि बना के फ़ोटो सेंड करना है। और इसके बाद में फिर मैंने ना थोड़े से फ्रेंच फ्राइज बनाने थे मेरे को कायू के लिए, तो मैं बस वही बना रही हूँ। तो यहाँ पे पहले जो भी आलू लिए हैं मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है मेरे को, थोड़े से ही बनाऊँगी। तो जो आलू हैं उन्हें मैं छील दूँगी यहाँ पे छिलका हटा के, और फिर जो फ्रेंच फ्राइज़ वाली शेप है उनमें कट कर दूँगी। मेरे को बहुत जल्दी हो रही थी, बनाने की मन तो नहीं था लेकिन इसको खाने थे ना, तो फिर इसलिए ना मेरे को बनाने पड़े। तो मैं ना बॉयल नहीं करूँगी इन्हें, डायरेक्ट ऐसे ही पानी में अच्छे से धुलने के बाद मैं एक टॉवल पर डाल दिया ताकि इनका जो पानी है वो निकल जाए, और मैं इन्हें ऐसे ही घी में तल दूँगी बस। और ये साइड में दाल बन रही है तो इसमें ना सीटी आ गई है जिसकी वजह से ना दाल आई थिंक ज़्यादा थी इसमें और इसका जो पानी था सारा वो निकल गया है बाहर। और अभी मैं जो आलू मैंने काट के रखे हुए थे उनमें थोड़ा थोड़ा सा नमक मिर्च मैं मिला दूँगी, और इसके बाद में एक फ्राई पैन में हल्का सा घी गर्म करके इन्हें तलूँगी। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिएगा, वैसे ना ये काफ़ी अच्छी लगती है खाने में, घर पे बना के खाओ तो अच्छी लगती है काफ़ी। और आज मैं ना गोभी के पराठे बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने जो गोभी है उसे कद्दूकस कर लिया है, साइड में रख लिया है, और लहसुन प्याज
और हरी मिर्ची जो होती हैं उन्हें मैं यहाँ पे हल्के से तेल में फ्राई कर लूँगी। और इसके बाद मैं डाल दूँगी जो मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ था साइड में गोभी। गोभी के पराठे ना बहुत अच्छे लगते हैं, चाहें तो आप इस तरीके से भी बिना फ्राई करे भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इन्हें ना हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि इसका जो पानी होता है, जो मॉइस्चर होता है हल्का हल्का सा, वो सारा निकल जाए। और मैं ना स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा करती हूँ, स्टफिंग ज़्यादा करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मेरे को अच्छे पर्सनली अच्छे लगते हैं। अगर आप लोग कम भरना चाहते हैं, या कुछ लोग बना भी देते हैं लेकिन मेरे से नहीं बन पाते हैं बिना फ्राई करे, तो मैं ना इसे इतने अच्छे से फ्राई करूँगी ना, इसमें से जितना भी पानी जो होता है ना वो सारा निकल जाए, एकदम ड्राई ड्राई रह जाए, सूख जाए। और नमक मिर्च वगैरह डाल देना है इसमें, फिर धनिया डाल के इसे सुखा लें, सुखा लें मतलब कि ठंडा होने के लिए रख दें, और इसके बाद में इसके पराठे बनाएं। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे गोभी के पराठे, जो स्टफिंग थी वो ठंडी हो गई है। और जो गोभी के पराठे बना रही हूँ मैं, वो दो लोई बना के बनाऊँगी, जिससे क्या होता है ना कि स्टफिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा भर जाती है। सिंगल लोई में अगर हम बनाते हैं तो स्टफिंग इतनी ज़्यादा नहीं आती है, और जब पराठा बेलते हैं तो वो फट भी जाता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैं कितनी ज़्यादा स्टफिंग डाल रही हूँ इसके अंदर, और मेरे को ये छोटी लग रही थी थोड़ी सी, दूसरी वाली जो मैंने रोटी बनाई थी, इसे थोड़ा सा और बेल के इसके ऊपर रख के साइड साइड से हमें ना प्रेस कर देना है, ताकि जो अंदर हमने जितना भी मसाला डाला है वो निकल ना जाए, फट ना जाए। इसे हल्का सा प्रेस कर दें ताकि ये चिपक जाए मसाले से, और हल्का सा परोथन लगा के आप इसे बेल दें। वैसे गोभी के पराठे किस किस को पसंद है कमेंट करके मेरे को बताना, मेरे को तो पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं गोभी के पराठे, मूली के पराठे। और यहाँ पे पता है अगर दो लोग बना के बनाते हैं ना तो साइज़ भी बहुत बड़ा बनता है, आप कितना भी बड़ा कर ना सकते हो गई, हैं। एकदम से रात हो गई है, 8 बज रहे हैं आई थिंक, और मैं ना अपने लिए चाय बनाने के लिए आई हूँ, क्योंकि आवाज़ निकल नहीं रही है मेरी बिल्कुल भी, गले पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे को, तो मैं एक तेज़ अदरक वाली ना चाय लूँगी। सुबह इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था मेरे को, लेकिन अभी फिर वापस से वही प्रॉब्लम हो रही है। और देखो मैं एकदम मतलब फुल स्लीव्स के कपड़े वगैरह पहन के, शॉल वगैरह ओढ़ के अच्छे से कपड़े वपड़े पहन रखे, लेकिन फिर भी वही प्रॉब्लम हो रही है। और ये लाइट पता नहीं क्यों बार बार ब्लिंक कर रही है इस तरीके से, क्या हो रहा है लाइट में समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। तो मैं ना अभी चाय बनाऊँगी अपने लिए और फिर मैं आपसे मिलूँगी। और मेरे को ना अभी सब्जी बनानी नहीं है तो इसलिए, और मैं थोड़ा सा ना मतलब लेट निकली थी, मेरे ना कान बंद हो रहे हैं बिल्कुल, मेरे कानों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी हो रही है मेरे को ना, जुकाम जब होता है ना, सर्दी जब भी होती है तो सूखी खांसी होती है मेरे को, तो उसमें ना पेन बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप में से किसी को पता हो तो। बाहर हो रहा है एकदम अंधेरा, तो मैं ना लाइट जला देती हूँ क्योंकि रात काफ़ी हो गई है और लाइट ऑन नहीं हुई है, तो मैं यहाँ पर पहले तो देख लेती हूँ, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है मेरे को, पहले ये वाली लाइट ऑन करती हूँ, इसके वायर लगाने पड़ेंगे, तो ये तो मैं देखती हूँ लगा के एक बार, है ना। बाहर की लाइट भी मैंने ऑन कर दी है, और अभी कपड़े भी पड़े हैं बाहर से, मैंने कपड़े भी नहीं लिए हैं। तो पहले ना मैं अंदर चाय बन रही है, गैस को थोड़ा सा ना लो करके आ जाती हूँ, वरना जो चाय है वो निकल जाएगी, फिर मैं आके कपड़े लूँगी। कपड़े मैं ले आई हूँ बाहर से, और जब तक मैं कपड़े लेने गई थी ना, इतनी देर में मेरी चाय बॉयल हो गई है अच्छे से, और जब तक चाय अच्छे से बॉयल नहीं होती ना उसमें टेस्ट नहीं आता है, कच्ची सी रह जाती है, तो इतने अच्छी नहीं बनती है चाय। अदरक डालो उसमें, मैंने थोड़ा सा ना अदरक थोड़ा ज़्यादा डाला था, मेरे को सर्दी हो रही है इस वजह से। और मैं अभी चाय छान लूँ यहाँ पे, तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिएगा। वैसे ये टाइम चाय का तो नहीं है, खाने का टाइम है, बट मैं सच बताऊँ मेरे को ना 4-5 दिन से बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है मेरे को, बस चाय पी लेती हूँ, खाना खा रही हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन
कल मैंने बिल्कुल पूरे दिन बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था, मन ही नहीं हो रहा था अंदर से खाने का, बस मैं चाय 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 पी जा रही थी। और अभी फिर मैं वापस से चाय लेकर के आ गई हूँ, और ये सुबह से मैं तीसरी बार चाय पी रही हूँ। खैर नॉर्मली लोग पीते हैं इतनी इतनी चाय, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ अभी। पहले मैं बहुत पीती थी, बट अभी इतना ज़्यादा नहीं पी रही हूँ, तो अभी 2 बार चाय पीती हूँ बस। तो अभी ना ये चाय तो बहुत ज़्यादा गर्म है, इतनी ज़्यादा गर्म चाय पी नहीं जाएगी मेरे पे, तो मैं ना जब तक व्लॉग को एंड कर देती हूँ, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा मैं नहीं करना चाहती हूँ। वैसे भी आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा है, क्योंकि आज मैंने छोटा मोटा सा शूट किया है, कई दिन से नहीं कर रही थी, व्लॉग नहीं जा पा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा 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 सा सब करके बनाया है। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आता है तो वीडियो को आपको क्या करना है वो आपको पता है, लाइक करना है, शेयर करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे लेके आऊँ, क्या लेकर के आऊँ, वो मेरे को कमेंट करना है। वीडियो कैसी लग रही है वो भी आपको कमेंट करके मेरे को बताना है। तो मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, प्यार बांटिए, कला साथ नहीं दे रहा है।